शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। शामली पुलिस ने एक अवैध असलाह तैयार करने वाले रैकेट और अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक असलाह तस्करी करने वाले युवक को भी हिरासत में लिया है और अवैध तमंचा फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। ये पूरा मामला जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे स्थित नहर पुल के पास पीर के पीछे आम के बाग का है, जहां से पुलिस ने छापा मारकर बाग में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां पर एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बदमाश से 20 तमंचे 315 बोर के, 5 तमंचे 12 बोर के, 13 तमंचे अधबने और 6 कारतूस बरामद किए गए। मैं फैक्ट्री चला रहा था, एक दो में कोई आया था उससे लेके दे दू था 200-400 रुपए में, अपने बना लो था। अच्छा, बस यही। डॉक्टरी कब करते थे? डॉक्टरी तो मैंने अभी छोड़ दी है 5-4 साल से ही। अच्छा। नहीं तो 2003 से मैं डॉक्टरी करनी शुरू कर दी थी अपनी। और ये तमंचा बनाने का काम? तमंचा तो मैंने कभी बनाने में तो खरीदता था, दूसरा बनाता था उससे, एक आधा खरीद के बेच दो था इधर उधर। और इतने तमंचे कहाँ से बरामद हुए? ये फैक्ट्री उसकी सलेमान खान, जो सलेमान है उससे, वहाँ से बरामद करी उन्होंने। में शामली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और उसमें हमने टीम लगाया हुआ था, तो हमारी स्वाट टीम के सत्यपाल और मुनेंद्र सिंह इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और यज्ञदत्त शर्मा जो कि आदर्श मंडी के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके निर्देशन में और उनके नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी, जिन्होंने कल देर रात 10:30 बजे सफलता पाई और एक असलाह तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी की गई थी, उसमें एक असलाह बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। संवाददाता 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शामली।